क्षेत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गणेश की मूर्ति हमारे इलाके से नहीं जाएगी, इनको कहो 20 किलोमीटर घूम कर जाए। क्या गणेश जी का जुलूस निकलेगा साहेब? ये इमरान क्या चीज है? डराना होगा। कल पार्लियामेंट में सीएए कानून को पास किया जाएगा, अगर वो लागू हुआ तो यहाँ के मुस्लिम कौन निकाल देंगे? मेरी बेटी को मारना। देश में एक और गोडसे पैदा नहीं होना चाहिए। अगर तू इससे निकाह करके हमारा धर्म अपना लेती है तो ही हम तुझे यहाँ से जाने देंगे, समझे क्या? जान को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले नीच धर्म में मैं नहीं पैदा हुई हूँ। रानी लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई की जन्मभूमि में मैं पैदा हुई हूँ। तुझे जो करना है कर, दफा हो जा। गोडसे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि बंटवारा होने से पहले वहाँ के हिंदुओं को यहाँ सुरक्षित लाया जा सकता था। गोडसे को इस बात पे गुस्सा है कि ऐसा क्यों नहीं किया। जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी, उन्होंने 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन गांधी के शरीर में 3 गोलियों के निशान पाए गए थे। लेकिन साहब, उस वक्त नेहरू की सरकार ने गांधी को सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारत के हित में नहीं है। जब तक इस देश में हिंदू बहुमत में है, तब तक तुम यहाँ शांति से जी सकते हो। तू यहाँ अपने अधिकार से अमन और शांति से रह सकता है। अरे जहाँ मुसलमान बहुमत में है, वहाँ एक दूसरे को बम फोड़कर मार डालते हैं। मुझे बताओ, क्या वहाँ आरएसएस है? क्या वहाँ भी बीजेपी है? क्या वहाँ मोदी राज कर रहे हैं? क्या वहाँ दंगे क्यों हो रहे, बताओ ना। और उस वक्त जिन्ना ने एक घोषणा की थी, वो थी सीधी कार्रवाई दिवस की, डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदी सीखना चाहती हो ना, तो दिल से सीखो। ठीक है पिताजी। और अगर किसी ने तुम्हें रोका ना, तो उसके घर पे जाकर उसके टुकड़े करने वाला मैं पहला इंसान होऊंगा। हम शपथ लेते हैं कि इस मिट्टी और यहाँ की संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो हम खोना नहीं चाहते थे उसे खो दिया, अब खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। ये इस जमीन के लिए होने वाला संघर्ष है, आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष है।